भारत में इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम को लागू करने की मेरी मांग वाली पीआईएल पे आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। मेरी पीआईएल के बाद नीति आयोग ने एक 20 मेंबर की कमेटी बना दिया है जो भारत में इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर लागू करने पे अपना एक मसौदा तैयार कर रहे हैं। हमने कोर्ट से यही कहा है कि जो विदेशी चिकित्सा व्यवस्था है इसमें एक बीमारी का इलाज करने पे दो बीमारी और बोनस में मिल जाती है। इलाज कराते हैं डायबिटीज की और दवा खाते खाते बाद में किडनी और खराब हो जाती है, जबकि जो भारतीय चिकित्सा व्यवस्था है इसमें एक बीमारी का इलाज कराते हैं तो तीन बीमारियां बोनस में अपने आप ठीक हो जाती है। आज हजारों साल पहले जो महर्षि चरक ने चरक संहिता में लिखा, जो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा, महर्षि सुश्रुत ने अपनी सुश्रुत संहिता में लिखा, महर्षि माधवकर ने अपनी माधवकर संहिता में जो लिखा, महर्षि वाग्भट ने जो अपनी किताब में लिखा, महर्षि भावप्रकाश ने अपनी जो किताब में लिखा, वो पढ़ाया बिल्कुल नहीं जाता है। उसको केवल आयुर्वेद के जो छात्र होते हैं उनको पढ़ाया जाता है। एमबीबीएस करने वालों को, बीएचएमएस करने वालों को या बाकी कोर्स करने वालों को न सुश्रुत संहिता पढ़ाई जाती है, न चरक संहिता पढ़ाई जाती है, न योगसूत्र पतंजलि का पढ़ाया जाता है, न सारंगधर संहिता पढ़ाई जाती है, न भावप्रकाश संहिता पढ़ाई जाती है, न माधवकर संहिता पढ़ाई जाती है। इसीलिए इतनी सारी बीमारियाँ चल रही हैं, बीमारियों का परमानेंट इलाज नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल में भीड़ बढ़ी हुई है, लाखों करोड़ रुपए टैक्स पेयर का पैसा हेल्थ के ऊपर जा रहा है, इसके बावजूद बीमारियां कम नहीं हो रही हैं। इसलिए भारत में एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम लागू किया जाए। हमारा ये कहना है कि जिन बीमारियों का इलाज योग प्राणायाम से ठीक हो सकता है, जिन बीमारियों का इलाज केवल मेडिटेशन से ठीक हो सकता है, जिन बीमारियों का इलाज नेचुरोपैथिक तरीके से ठीक हो सकता है, उसके लिए ऑपरेशन कराने की क्या ज़रूरत है, उसके लिए महंगे महंगे इंजेक्शन लेने की क्या ज़रूरत है। कोर्ट ने सुनने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय को, केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय को, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। महर्षि जो योग सूत्र है पतंजलि का, उसमें इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें लिखी हुई हैं बीमारी ठीक करने का, आंखों की रोशनी बढ़ सकती है, आंखों का चश्मा उतर सकता है, ऐसी वहाँ पे व्यवस्था है। हाइड्रोसील का बिना ऑपरेशन के इलाज हो सकता है, घुटना बदलने की जरूरत नहीं, बिना बदले ही घुटना ठीक हो सकता है, किडनी की डायलिसिस रेगुलर कराने की जरूरत नहीं है, वो इलाज है। ऐसी बहुत सारी असाध्य बीमारियां जिनके लिए 10 लाख 15 लाख रुपए खर्च होते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में, उन सारी बीमारियों का इलाज कुछ हजार में हो सकता है भारतीय चिकित्सा के जरिए। इसलिए मैंने कहा था, आज पतंजलि की तरफ से एक एप्लीकेशन आई है, जो पतंजलि रिसर्च सेंटर है हरिद्वार में, उन्होंने हमारी पीआईएल का समर्थन किया है और कोर्ट ने महर्षि जो पतंजलि रिसर्च सेंटर है उसको भी आप हमारी पार्टी में बाकायदा पिटिशनर बना दिया, को पिटिशनर बना दिया है। एलोपैथिक डॉक्टर की तरफ से एक पिटिशन आई है, वो हमारी पीआईएल का विरोध कर रहे हैं, आज कोर्ट ने उनकी याचिका को भी स्वीकार करके हमारे साथ जोड़ दिया है। तो अब हमारी याचिका के साथ एक पतंजलि रिसर्च सेंटर हरिद्वार की याचिका है जो बाबा रामदेव जी ने फाइल कराया, आचार्य बालकृष्ण जी ने फाइल कराया है, वो हमारी याचिका का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन एक एलोपैथिक डॉक्टर का समूह है वो हमारी याचिका का विरोध कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हमारा ये कहना है, हमारा किसी से विरोध नहीं है, हमारा एलोपैथी से कोई विरोध नहीं है, हमारी जो फॉरेन चिकित्सा व्यवस्था उससे कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिन बीमारियों का इलाज 100 रुपये में हो सकता है उसके लिए 1000 रुपये क्यों खर्च करना। जिन बीमारियों का इलाज सिंपल कुछ पॉइंट दबाने से हो सकता है, जिन बीमारियों का इलाज कपालभाति अनुलोम विलोम से हो सकता है, जिन बीमारियों का इलाज कुछ घी लगाने से या घी का लेप करने से या कुछ तेल लगाने से हो सकता है, उन बीमारियों के लिए ऑपरेशन क्यों कराना। एलोपैथ में डायबिटीज केवल 2 तरीके का है, टाइप 1 टाइप 2, जबकि चरक संहिता में आयुर्वेद 20 तरीके का, डायबिटीज 20 तरीके की लिखी हुई है और सबका बकायदा उसमें इलाज भी लिखा हुआ है। तो ऐसी बीमारियां जिनका परमानेंट इलाज चरक संहिता में है, ऐसी बीमारियां जिनका परमानेंट इलाज माधवकर संहिता में है, जिन बीमारियों का परमानेंट इलाज महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में लिखा है, जिन बीमारियों का परमानेंट इलाज महर्षि सुश्रुत ने अपनी सुश्रुत संहिता में लिखा है, या जिन बीमारियों का परमानेंट इलाज भावप्रकाश संहिता में लिखा हुआ है, उन बीमारियों का इलाज उसी तरीके से करना चाहिए। अगर भारतीय चिकित्सा का प्रचार प्रसार भारत में नहीं होगा तो विदेशों में थोड़ी होगा, विदेश फॉरेनर्स को क्या पड़ी हुई कि भारतीय चिकित्सा का प्रचार प्रसार करें। हमारे पास जड़ी बूटियां हैं, हमारे पास उस तरीके के नेचुरल खान पान की चीज़ें हैं, अगर उनसे बीमारी ठीक हो सकती है तो फिर विदेशी चिकित्सा व्यवस्था क्यों। मेरे पिताजी का खुद का मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरे पिताजी के घुटने खराब हो गए थे, मैंने एम्स में दिखाया, बोले ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, मैंने राम मनोहर लोहिया में दिखाया, बोले ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा।
दिल्ली के एक बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल को मैंने दिखाया, बोले ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, लेकिन आयुर्वेदिक तरीके से मैंने उनको पतंजलि में दिखाया और उनका घुटना ठीक हो गया, 10 दिन के अंदर बिल्कुल सही, वो चलने लग गए, जबकि पिताजी काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, पहले बिल्कुल खड़े नहीं हो पा रहे थे, उनको लगातार पेन बना हुआ था, अभी बिल्कुल खेतों में भी जाते हैं, आराम से अपना साइकिल भी चलाते हैं, बैठते भी हैं, सारे अपने काम कर ले रहे हैं। ऐसे एक मेरे जानने वाले की किडनी खराब हो गई, उसकी लगातार डायलिसिस चल रही थी, चंडीगढ़ में डेराबासी में हिम्स में उन्होंने इलाज कराया, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना डायलिसिस के सब बंद हो गया, एकदम आराम से रह रहे हैं। और वहाँ किया क्या, गर्म पानी में बैठा देते हैं हिम्स में 2 घंटे के लिए, उसके बाद सर नीचे पैर ऊपर करके थोड़ी देर जो बिस्तर का है पैर की तरफ 2 ईंट लगा देते हैं और कुछ और भी आयुर्वेदिक तरीके से उनका इलाज करते हैं और बिल्कुल सही हो गए, आराम से चल गए। इसलिए मेरा ये मानना है जिन बीमारियों का इलाज आयुर्वेद के जरिए हो सकता है, नेचुरोपैथी के जरिए हो सकता है, योग प्राणायाम के जरिए हो सकता है, उसके लिए केमिकल खाने की ज़रूरत नहीं है, केमिकल इंजेक्शन शरीर में लगवाने की ज़रूरत नहीं है। वो तभी हो सकता है जब केंद्र सरकार एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम लागू करे और मेडिकल के कोर्स में फर्स्ट ईयर में भाव प्रकाश संहिता, माधवकर संहिता, सारंगधर संहिता, सुसु संहिता और चरक संहिता को कंपलसरी पढ़ाया जाए, ये तभी हो पाएगा।